नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सरवई निवासी एक महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसमें उसने बताया कि एक शख्स उसे पिछले कई महीनों से लगातार परेशान कर रहा है। महिला अपने पति के साथ शिकायत करने आई हुई थी। महिला ने बताया कि उसने 181 पर भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उससे यह कहते हुए शिकायत बंद करवा दी कि आगे से युवक परेशान नहीं करेगा। अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि वह सरवई में दुकान संचालित करती है। पिछले करीब 6 माह से उसे सरवई निवासी आमिर खान उर्फ अन्नू पुत्र हमीद उसे परेशान कर रहा है। जैसे ही वह अपने घर से दुकान के लिए निकलती है, वैसे ही अन्नू उसका पीछा करने लगता है और दिन भर परेशान करता है। लड़के की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर महिला ने पुलिस से 3 बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई ना होने पर 181 पर शिकायत की, लेकिन फिर पुलिस ने यह कहते हुए शिकायत पर खात्मा लगवा दिया कि आगे से अन्नू परेशान नहीं करेगा, लेकिन सिलसिला लगातार जारी है। घटना हमारे ऊपर ये घटी है कि अन्नू नाम का लड़का है और हमें आज 4-5 महीने से 6 महीने से परेशान कर रहा है। दुकान आते हैं तो घर से लग जाता है, पीछे लग जाता है, परेशान करता है, छेड़छानी करता है, कहता है हमसे मोबाइल ले लो, हमसे बात करो, बात करने की धमकी दे रहा है। जब दुकान बंद करके आते हैं, अभी परसों के दिन आए 29 तारीख को, तो आके रास्ते में हमें 7:30 बजे के समय पीछे से हमारे पहले डंडा मारा है, फिर थप्पड़ मार के मोबाइल भी फेंक के मारा है और चप्पल मारी है 5-6 और छेड़खानी करता है, ज़बरदस्ती पकड़ता है, कहीं छेड़ता है, हमें जीने नहीं देता, कहीं कहता है वीडियो डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, फलाना ढिकाना दुनियन का बोलता है, उल्टी सीधी बातें करता है, कहीं कहता है जबरन हमसे मांग रहा है कि हमें 2 लाख रुपए दो। अब बताओ, हम गरीब आदमी ना, हमारी खेती ना पाती, हम कहाँ से इसको 2 लाख रुपए दें। टीआई साहब ये बोल रहे थे कि आप, मेरी गारंटी है, आप कंप्लेन कर कटवा दीजिए, आज के बाद ना आपके पीछे घूमेगा और ना ही आपके कोई वार करेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस बंदे ने वार किया, जानलेवा हमला किया और धमकी दी कि मैं घर से उठवा लूँगा या किसी से उठवा लूँगा या मरवा दूँगा। फिर से बात हुई तो बोल रहे हैं कि आप बताइए क्या करना है। तो हमने कहा सर कंप्लेन है, आपके पास कंप्लेन है, आप कीजिए, जो धाराएँ लगी हुई आप उस पर कार्रवाई कीजिए। बोले कि कार्रवाई चल तो रही है और चलने के बाद 4 दिन हो गए सर, कोई कंप्लेन वो नहीं मिली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों से लगातार अपडेट बने रहने के लिए लगातार जुड़े रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें और साथ ही साथ फॉलो करते हुए जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार।